हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये होगा लेक्चर नंबर 3, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑस्किलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्री ऑस्किलेशन, या इसे अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन भी कहते हैं। तो क्या होता है, अगर कोई बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बिना एम्पलीट्यूड घटे ऑस्किलेट करती है, तो इस प्रकार के ऑस्किलेशंस को फ्री ऑस्किलेशंस कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये एक बॉडी है जो कि बिना एम्पलीट्यूड घटे अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑस्किलेट कर रही है। इसे बोलते हैं फ्री ऑस्किलेशन। और अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जब एम्पलीट्यूड घटते नहीं है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दूसरी डेफिनेशन है डैम्प्ड ऑस्किलेशन। डैम्प्ड ऑस्किलेशन किसे कहते हैं, जब हम जानते हैं जब कोई बॉडी ऑस्किलेट करती है तो उसे फ्रिक्शन फोर्स के विरोध में एक कार्य करना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी की एनर्जी टाइम के साथ रिड्यूस होती जाती है। जैसे जैसे एनर्जी रिड्यूस होती है, एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस होते जाते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, बॉडी के एम्पलीट्यूड टाइम के साथ रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स कार्य कर रहा है। इस प्रकार के ऑस्किलेशंस को हम डैम्प्ड ऑस्किलेशंस कहते हैं। तो जब ऑस्किलेट करती हुई किसी बॉडी के एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ रिड्यूस होते जाते हैं, तो इस प्रकार के ऑस्किलेशंस को डैम्प्ड ऑस्किलेशन कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन है फोर्स्ड ऑस्किलेशन। फोर्स्ड ऑस्किलेशन किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है जो कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन कर रही है, माने कि बॉडी की एनर्जी टाइम के साथ रिड्यूस हो रही है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। यदि इस बॉडी पर हम एक एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अप्लाई कर दें, जिसकी वजह से क्या हो, ये एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स वस्तु को उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे जितनी की फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रिड्यूस हो रही है, तो वस्तु के एम्पलीट्यूड मेंटेन रहेंगे, घटेंगे नहीं। इस प्रकार के ऑस्किलेशंस को हम बोलते हैं फोर्स ऑस्किलेशन। तो फोर्स ऑस्किलेशंस में क्या होता है, हम वस्तु पर एक एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वस्तु के एम्पलीट्यूड घटते नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स वस्तु को उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है जितनी लॉस हो रही है। एक एग्जाम्पल से समझे तो, यदि कोई बच्चा झूले में झूल रहा है, तो उसकी स्विंग को मेंटेन रखने के लिए हमको एक कंटिन्यूसली पुश प्रोवाइड करता रहना होगा झूले को, ताकि उसके जो ऑस्किलेशन है वो रिड्यूस ना हो। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु पर एक एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी वस्तु की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के या तो बराबर हो या उसकी इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तो वस्तु के जो ऑस्किलेशंस के एम्पलीट्यूड होते हैं वो अचानक से बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे माने कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कि इतने एम्पलीट्यूड से ऑस्किलेट कर रहा है। अब यदि हम इस पर एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी इस सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो एम्पलीट्यूड अचानक से बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, इस घटना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि जब कोई सेना किसी पुल को पार करती है, तो सेना से कहा जाता है कि वो मार्च पास्ट करते हुए, यानी कदम से कदम मिलाकर ना चले, क्योंकि यदि कदम ताल की वजह से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जा रही है वो पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो पुल के एम्पलीट्यूड अचानक से बहुत बढ़ जाएंगे, जिससे कि पुल टूट भी सकता है और एक बड़ी घटना घट सकती है। इसी तरह से क्या होता है, जब किसी कांच पर एक हाई पिच साउंड अप्लाई की जाती है, तो कांच ब्रेक हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है, जब साउंड की फ्रीक्वेंसी ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो ग्लास के पार्टिकल हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो टूट जाते हैं, जिससे कि ग्लास टूट जाता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, कांच ब्रेक होते हुए। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो या दो से अधिक वेव्स किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती हुई सुपरइम्पोज करती हैं, तो क्या होता है।
तो जब दो वेव मीडियम में चलते हुए किसी पॉइंट पर मिलती हैं, तो वहां पे एक नई वेव प्रोड्यूस हो जाती है जिसे रिजल्टेंट वेव कहते हैं। और इस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होता है। जैसे कि ये पहली वेव है, मान लीजिए कोई पहली वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, ये कोई दूसरी वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए y2 है, तो इन दोनों वेव के सुपर इम्पोज होने से एक न्यू वेव क्रिएट होगी जिसे हम रिजल्टेंट वेव कहते हैं। और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होता है। अब है इफेक्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो या दो से अधिक वेव आपस में सुपरइम्पोज करती हैं तो कुछ घटनाएं घट सकती हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जैसे कि एक वेव ये है दूसरी वेव ये है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, मान लीजिए एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज है। जब ऐसी दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में चलकर सुपर इम्पोस्ट करती हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, जब दो वेव इस तरह से इंटरफेयर करें जब दो वेव सेम फेज में इंटरफेयर करती हैं तो उस प्रकार के इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और जब दो वेव अपोजिट फेज में इंटरफेयर करती हैं तो जो घटना घटती है उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक वेव है, ये कोई दूसरी वेव है, यहाँ पे ये दोनों वेव अपोजिट फेज में इंटरफेयर कर रही हैं। एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रो से सुपर इम्पोज हो रहा है, और मान लीजिए इस वेव का एम्पलीट्यूड प्लस ए है, इस वेव का एम्पलीट्यूड माइनस के है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसमें एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये दो वेव हैं, वेव वन और वेव टू। ये मान लीजिए वेव वन है, मान लीजिए ये वेव वन है, ये वेव टू है, ये दोनों वेव सेम फेज में इंटरफेयर कर रही हैं, यानी कि दोनों के क्रेस्ट पॉइंट आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा ये। जबकि इस केस में ये दो वेव जो है ये अपोजिट फेज में इंटरफेयर कर रही हैं, पहली वेव का जो क्रेस्ट पॉइंट है वो दूसरे वेव के ट्रो के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होकर के जीरो हो जाएगा, इसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हो गई पहली घटना। दूसरी घटना जो घट सकती है वो है बीट्स। तो जब नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में चलकर सुपर इम्पोज करती हैं तब हमारी बीट्स उत्पन्न होती हैं। तो इसमें क्या होता है, दो वेव्स ऐसी होनी चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो लेकिन डिफरेंस बहुत कम हो और एक ही डायरेक्शन में चल रही हो। जैसे कि पहली वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 100 हर्ट्ज है और वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ये कोई दूसरी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 110 हर्ट्ज है और ये उसी डायरेक्शन में चल रही है। ऐसी जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, और ये कहां होगा, जहां दो वेव अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज कर रही होंगी। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ये कहां होगा, जहां दो वेव सेम फेज में सुपर इम्पोज हो रही होंगी, जैसे कि यहाँ पे सेम फेज में सुपर इम्पोज हो रही है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा।
इनके बीच क्या होता है, एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इसके बाद एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। इस घटना को हम बोलते हैं बीट, जैसे कि हम साउंड में देखते हैं कि कोई साउंड एकदम बंद होता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है, फिर धीरे डिक्रीज होता है, फिर रुक जाता है, इसे हम बोलते हैं बीट। और बीट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कितने बीट्स क्रिएट होंगे, बीट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होती है। तीसरी घटना जो घट सकती है वो है स्टेशनरी वेव। तो क्या होता है, जब दो वेव, जब सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव, मान लीजिए कोई वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जब सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव जिनके एम्पलीट्यूड भी सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन में चलकर सुपर इम्पोस्ट करें, ध्यान देने वाली बात है, दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हैं, जब ऐसी दो वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हैं आपस में सुपर इम्पोस्ट करती हैं, तो एक नई वेव बन जाती है जिसे हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये वेव हमको टाइम के रेस्पेक्ट में रुकी हुई प्रतीत होती है। इस वेव में जो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है उसको हम नोड कहते हैं और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को एंटी नोड कहते हैं, और इस तरह की वेव को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। आगे हम पढ़ते हैं एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या है? एकॉस्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम साउंड किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से साउंड प्रोपोगेट करता है और किस तरह से साउंड डेस्टिनेशन पर रिसीव होता है, इसकी स्टडी हम करते हैं। एकॉस्टिक्स का यूज हम पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे थिएटर हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, लेक्चरर रूम हो गए, या ऑडिटोरियम हो गया यानी सभागार हो गया आदि में उत्पन्न जो साउंड है उसके बेस्ट इफेक्ट के बारे में स्टडी करने के लिए करते हैं, ताकि लिसनर्स को बेस्ट ऑडिबल साउंड मिल सके। अब साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि लाउडनेस, इंटेंसिटी, पिच, क्वालिटी या टिम्बर। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेंसिटी क्या होती है। तो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। तो साउंड की वह कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हमें साउंड कम यानी कि लो या तेज यानी कि हाई सुनाई देती है वो इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मेजरमेंट की जा सकती है, और इंटेंसिटी का कान की सेंसिटिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इंटेंसिटी कान की सेंसिटिविटी पर डिपेंड नहीं करती है, किसी यानी कि एक वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो सभी के लिए सेम रहेगी, चाहे वो कोई सभी पर्सन हो। वैसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए ये एक साउंड सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और ये इस तरह से चल रहा है, इस डायरेक्शन में साउंड प्रोपोगेट कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक सरफेस है जिसका एरिया ए है और इस एरिया पे टी टाइम में क्यू जूल एनर्जी इंसिडेंट हो जाती है। तो इसको किस तरह से, इंटेंसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, साउंड के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्थित एक मीटर स्क्वायर एरिया से, यानी कि यूनिट एरिया से एक सेकेंड में यानी यूनिट टाइम में पास होने वाली साउंड एनर्जी को उसकी इंटेंसिटी कहते हैं और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए सरफेस के ए मीटर स्क्वायर एरिया से टी टाइम में क्यू जूल एनर्जी पास होती है, तो उस सरफेस से के एक मीटर स्क्वायर एरिया से एक सेकेंड में कितनी जूल एनर्जी पास होगी, क्यू अपॉन ए टी, इतनी एनर्जी पास होगी, इस एनर्जी को ही बोलते हैं इंटेंसिटी और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर होता है क्यू अपॉन ए टी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब हम जानते हैं कि जूल पर सेकेंड होता है वॉट, यह कहलाता है वॉट, इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी वॉट
पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद आती है एक अलग डेफिनेशन जिसका नाम है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग की होती है मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज नोन एज थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। यानी साउंड की एक ऐसी मिनिमम इंटेंसिटी होती है जिसको हमारा कान सुन सकता है। इंटेंसिटी इससे कम होने पर हमारा कान उसे नहीं सुन सकता। तो मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी को हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये होती है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, यानी इससे कम इंटेंसिटी को हमारा कान नहीं सुन सकता। नेक्स्ट डेफिनेशन है लाउडनेस। तो लाउडनेस भी क्या है, साउंड की वह कैरेक्टरिस्टिक से जिसकी वजह से हमें साउंड कम यानी लो या तेज यानी हाई सुनाई देता है। लेकिन लाउडनेस जो है वो कान की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी के साथ लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी के साथ कान की सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी में एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो लाउडनेस होता है वो कान की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है अलग अलग व्यक्ति को सेम इंटेंसिटी की साउंड अलग अलग लाउडनेस में सुनाई पड़ रही हो। तो लाउडनेस जो होता है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। लाउडनेस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और इसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लाउडनेस बराबर होता है एक कांस्टेंट के लॉग बेस 10 पर इंटेंसिटी अपॉन आई नॉट। यानी कि लाउडनेस को हम कंपैरेटिवली कैलकुलेट करते हैं, किसके किसके कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग के कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं। तो ये होती है हमारी आई नॉट, ये होता है लाउडनेस। यदि k की वैल्यू 1 हो, k की वैल्यू 1 करते हैं तो लाउडनेस की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी लॉग बेस 10 पर आई अपॉन आई नॉट। आई इंटेंसिटी, आई नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। तो इसकी इस यूनिट को हम बोलते हैं बेल। ये नाम ग्राहम बेल, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल के नाम पर पड़ा। इस यूनिट को हम बोलते हैं बेल। यदि हम k की वैल्यू 1 की जगह 10 रख दें तो लाउडनेस की यूनिट, इस यूनिट को हम बोलते हैं डेसिबल, आई अपॉन आई नॉट, इसे हम बोलते हैं डेसिबल और इसे डीबी से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम लाउडनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाउडनेस इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और हर किसी के कान के लिए जो लाउडनेस होगा वो अलग अलग होगा। इन जनरल हम अगर हम बात करते हैं तो जो फुसफुसाहट होती है, इन जनरल अगर हम बात करें तो जो विस्परिंग होती है, यानी कि यहाँ पे हम बात करें जो फुसफुसाहट होती है, विस्परिंग होती है, वो लगभग लगभग 30 डेसिबल का होता है। और जनरल कॉन्वर्सेशन जो हम करते हैं, जनरल कॉन्वर्सेशन जो करते हैं वो लगभग 50 डीबी का होता है। और यदि लाउडनेस 120 डीबी से ज्यादा हो जाती है तो उसको नॉइस कहते हैं, नॉइस कहते हैं लाउडनेस। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी थर्ड डेफिनेशन यानी कि पिच पर। तो पिच क्या होती है, अब हम बात करेंगे पिच पर। तो साउंड की पिच वह कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हमें साउंड मोटी यानी ग्रेव तथा बारीक यानी श्रील फील होती है। साउंड की पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड पतली होती है जिसे हाई पिच साउंड कहते हैं। जैसे बच्चे और महिलाओं की जो आवाज होती है प्रायः पतली होती है, जबकि लो फ्रीक्वेंसी की साउंड मोटी होती है जिसे लो पिच साउंड कहते हैं, जैसे पुरुषों की साउंड। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे ये जो मच्छर होता है, मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़ मोटी
मच्छर की भिनभिनाहट पतली और शेर की दहाड़ मोटी क्यों प्रतीत होती है? तो इसका जो रीजन है वो है पिच। असल में क्या होता है, शेर की दहाड़ की फ्रीक्वेंसी, शेर की दहाड़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है, जबकि मच्छर के भिनभिनाहट की फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, जिस वजह से शेर की दहाड़ लो पिच की होती है और मच्छर की भिनभिनाहट हाई पिच की होती है। और शेर की दहाड़ लो पिच की होने की वजह से इसकी दहाड़ मोटी प्रतीत होती है, जबकि मच्छर की भिनभिनाहट हाई पिच की होने की वजह से पतली प्रतीत होती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है क्वालिटी या टिम्बर। तो साउंड की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हमें सेम फ्रीक्वेंसी यानी सेम पिच और सेम लाउडनेस की साउंड में डिफरेंस फील होता है, उसे हम बोलते हैं क्वालिटी या टिम्बर। तो ये डिफरेंस उनकी अलग अलग वेवफॉर्म की वजह से होता है। मान लीजिए हमारे कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की यानी सेम पिच की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी लाउडनेस भी सेम है यानी इंटेंसिटी भी सेम है, तब क्या होगा, हमारे कान कैसे पता लगाते हैं कि ये आवाज इस इंस्ट्रूमेंट से आ रही है, ये आवाज उस इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। मान लीजिए ये आवाज तबले से आ रही है, ये आवाज गिटार से आ रही है, तो ये अंतर हमें प्रतीत होता उनकी अलग अलग वेवफॉर्म की वजह से। तो साउंड की अलग अलग साउंड की जो वेवफॉर्म भी अलग होती है, अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई वेव है जिसकी वेवफॉर्म इस तरह से, ये कोई दूसरी वेव हो सकती है जिसकी वेवफॉर्म इस तरह से हो सकती है, ये कोई तीसरी वेवफॉर्म हो सकती है, तीसरी साउंड हो सकती है जिसकी वेवफॉर्म मान लीजिए कुछ इस तरह से हो सकती है। तो क्वालिटी या टिम्बर साउंड की वह कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस की साउंड्स में डिफरेंस फील करते हैं। तो ये होता किस वजह से है, साउंड की अलग अलग वेवफॉर्म की वजह से होता है। हम बात करेंगे इको की, अब हम बात करेंगे इको की। तो इको किसे कहते हैं, यदि कोई साउंड किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराकर पुनः सुनाई देता है तो इस दोबारा सुनाई देने वाली साउंड को इको कहते हैं। अब एक फैक्ट समझेंगे, वो फैक्ट क्या है, एक फैक्ट है साउंड का प्रभाव साउंड सोर्स बंद हो जाने के बाद भी लगभग 1/10 सेकंड तक बना रहता है। साउंड सोर्स बंद हो जाने के बाद भी साउंड का इफेक्ट लगभग 1/10 सेकंड तक बना रहता है। अतः स्पष्ट है कि इको को सुनाई पड़ने के लिए आवश्यक है कि इको जो प्रारंभिक ध्वनि है उसके 1/10 सेकंड से पहले लिसनर तक ना पहुंचे, क्योंकि 1/10 सेकंड तक तो इफेक्ट बना हुआ है, अगर इसी बीच में इको भी आ जाती है तो यह हमको सुनाई नहीं देगी क्योंकि पहले से ही एक साउंड का इफेक्ट है। अब हम एक मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इको सुनाई देने के लिए। मान लीजिए ये हमारा कोई एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है जहां से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगी और ये हमारा एक साउंड सोर्स है जहां से साउंड वेव निकल रही है। मान लीजिए वेव साउंड वेव ट्रेवल करती है यहां से यहां तक, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पर वापस आ जाती है, ये रिसीवर है। क्योंकि हम जानते हैं साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड होती है। और हम जानते हैं इको सुनाई देने के लिए साउंड वेव लगभग 1/10 सेकंड तक ट्रेवल करे, तो 1/10 सेकंड में साउंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना 1/10 यानी 33 मीटर, यानी कि 1/10 सेकंड में साउंड सोर्स पॉइंट से प्रोड्यूस होकर रिफ्लेक्टर से तक पहुंचेगी, फिर रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर के फिर उसी पॉइंट पर पहुंचेगी। तो 33 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है आने में और जाने में, यानी कि यहां सोर्स से रिफ्लेक्टर तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 33/2 यानी कि 16.5 मीटर। अतः स्पष्ट है कि इको सुनने के लिए
इको सुनने के लिए लिसनर और रिफ्लेक्टिव प्लेन के बीच कम से कम 16.5 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये होता है। इसके बाद हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द साउंड एनर्जी बाय द मटेरियल ऑफ एनी सरफेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। जब साउंड किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उस सरफेस द्वारा साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक टर्म आती है कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोफिशियंट और कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? किसी सरफेस द्वारा किसी टाइम में एब्जॉर्ब एनर्जी तो उसी टाइम में उस सरफेस पर टोटल इंसिडेंट एनर्जी के रेशियो को कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए बराबर हो जाएगा साउंड एनर्जी इंसिडेंट, कितनी साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन टोटल साउंड एनर्जी, टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी इंसिडेंट। यह होता है कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम देखेंगे रिवर्बरेशन यानी कि गूंज किसे कहते हैं। तो किसी बिल्डिंग में साउंड सोर्स के बंद हो जाने के बाद भी कुछ देर तक साउंड का सुनाई पड़ते रहना या बिल्डिंग में साउंड के ठहराव को परसिस्टेंस ऑफ साउंड को रिवर्बरेशन कहते हैं। अब क्या होता है, एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम। तो रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है? साउंड सोर्स के साउंड प्रोड्यूस बंद कर देने के बाद भी लगातार रिफ्लेक्शन के कारण ऑडिबल साउंड कुछ देर तक ऑडिटोरियम में गूंजती रहती है। जिस समय अंतराल तक ये ऑडिबल साउंड सभागार में गूंजती रहती है उसे हम बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम। तो रिवर्बरेशन टाइम क्या है? वो टाइम डिफरेंस है जिस टाइम डिफरेंस में कोई साउंड गूंजती रहती है। एक आता है स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम। तो स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम को हम इंटेंसिटी की टर्म में बताते हैं। तो स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं साउंड सोर्स बंद होने के बावजूद भी साउंड का इफेक्ट बना रहता है और साउंड धीरे धीरे खत्म होती है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी आई है, तो रिवर्बरेशन टाइम किसे कहेंगे? इतना समय जब इंटेंसिटी घट करके अपने 10 लॉग में भाग के बराबर हो जाती है। यहाँ इंटेंसिटी घट के कितनी हो गई? मूल इंटेंसिटी का 10^6 यानी 10 लॉग का भाग आ गया। उस टाइम डिफरेंस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम और इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम किसे कहते हैं? ध्वनि यानी साउंड सोर्स के साउंड उत्पादन बंद कर देने के बाद ध्वनि तीव्रता द्वारा अपने 10 लाखवें भाग तक तीव्रता कम होने में लिए गए समय को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम। स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेवाइंस फॉर्मूला। तो सेवाइंस फॉर्मूला क्या होता है? प्रोफेसर वॉलेस सी सेवाइन नाम के एक प्रोफेसर हुए थे, ने विभिन्न प्रकार के रूम्स, ऑडिटोरियम, थिएटर पर प्रयोग करके ये कंक्लूजन निकाला कि क्लोज्ड रूम का रिवर्बरेशन टाइम रूम के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए रूम का वॉल्यूम V है तो स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम रूम के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है और रूम के भीतर रखी वस्तुओं के कुल एब्जॉर्प्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड की टोटल एब्जॉर्प्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने प्रयोगों के आधार पर बताया कि किसी क्लोज रूम का स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम को निम्न फॉर्मूले द्वारा दिया जाता है जिसे सेवाइन फॉर्मूला कहते हैं। और ये क्या होता है? टी बराबर होता है 0.165 वॉल्यूम पर टोटल एब्जॉर्प्शन या
और ये या इसको हम कह सकते हैं 0.165 वॉल्यूम पर एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट इनटू सरफेस एरिया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये होता है सेवाइंस फॉर्मूला। इसे हम बोलते हैं सेवाइंस फॉर्मूला, जहां टी होता है रिवर्बरेशन टाइम, रिवर्बरेशन टाइम, और वी होता है रूम का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रूम, एस होता है सरफेस एरिया जहां से जहां पर वेव एब्जॉर्ब हो रही है, सरफेस एरिया एरिया जहां साउंड वेव एब्जॉर्ब हो रही है। ये होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिवर्बरेशन टाइम, यानी कि रिवर्बरेशन टाइम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला फैक्टर जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस। पहला जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस, साउंड नहीं आएगा या सरफेस आएगा, सरफेस। तो यदि सरफेस साउंड के अच्छे रिफ्लेक्टर्स हो तो रिवर्बरेशन टाइम का मान अधिक होता है। माने कि रिवर्बरेशन टाइम रिफ्लेक्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है, रिफ्लेक्टिविटी के प्रोपोर्शनल, रिफ्लेक्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। साउंड जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी उतने ज्यादा समय तक ऑडिटोरियम में बनी रहेगी। तो जितने अच्छा हमारा सरफेस, जितना अच्छा रिफ्लेक्टर होगा साउंड उतनी देर तक बनी रहेगी। दूसरा होता है कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो साउंड जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उतनी कम समय तक बनी रहेगी, और जितनी कम एब्जॉर्ब होगी उतने ज्यादा समय तक बनी रहेगी। तो जो रिवर्बरेशन टाइम होता है वो एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो साउंड की तीव्रता का मान अधिक होने पर रिवर्बरेशन टाइम का मान भी अधिक होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रिवर्बरेशन टाइम इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, माने साउंड जितनी तेज तेज होगी वो उतनी ही ज्यादा समय तक बनी रहेगी। इंटेंसिटी, डाउन साउंड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा समय तक बनी रहेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो चूंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर साउंड का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, और साउंड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो रिवर्बरेशन टाइम उतना ही कम होता है। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर साउंड का एब्जॉर्प्शन अधिक होगा और रिवर्बरेशन टाइम कम होगा। इसके अलावा जो साउंड रिवर्बरेशन टाइम होता है वो रूम के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। रूम का वॉल्यूम वो किस तरह से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रूम का वॉल्यूम ज्यादा होने पर रिवर्बरेशन टाइम भी ज्यादा होगा, और यदि रूम का वॉल्यूम कम होता है तो रिवर्बरेशन टाइम भी कम होगा। तो ये था वॉल्यूम ऑफ रूम। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव हमारी तीन तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहली होती है साउंड वेव, और इसे हम ऑडिबल वेव भी कहते हैं। तो हमारे नॉर्मल जो कान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी या साउंड फ्रीक्वेंसी। 20 हर्ट्ज ये जो हो जाएगी इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट
इसे बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग, ह्यूमन हियरिंग, जबकि जो 20 किलोहर्ट्ज होती है इसे बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग, इसे बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग, ह्यूमन हियरिंग। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इंफ्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक साउंड्स किसे कहते हैं? द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। तो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उस साउंड वेव को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। द इंफ्रासोनिक साउंड्स हैव फ्रीक्वेंसीज बिलो द लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग। और ये जो साउंड वेव होती है यानी इंफ्रासोनिक साउंड वेव होती है वो कहाँ मिलती है? तो ऐसी साउंड वेव अर्थक्वेक यानी जब भूकंप आता है या थंडर यानी कि बादल की घड़घड़ाहट होती है वॉल्केनोस में, ज्वालामुखी में, इस तरह की साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। हमारे कान तो इस साउंड वेव को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एलिफेंट या वेल मछलियां ऐसी होती हैं जो इस साउंड वेव को भी महसूस कर सकती हैं। तो ऐसी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से कम होती है उसे बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड्स। तीसरी डेफिनेशन है हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अल्ट्रासोनिक साउंड किसे कहते हैं? ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। तो द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है हैव अ फ्रीक्वेंसी अबव द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं, हमारे कान तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, या इंसेक्ट्स हो गए या रेट हो गए, ये चमगादड़ वगैरह इन फ्रीक्वेंसी को सुन सकती हैं, इनको महसूस कर सकती हैं। तो ये था हमारा, यहाँ पर हम चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स पार्ट।